नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास टेंथ के जो राजनीति विज्ञान है उसका पहला चैप्टर हम लोकतंत्र देख रहे थे, और उस लोकतंत्र का जो है ये अंतिम वीडियो है, और मुझे आशा है कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में लोकतंत्र का हमने आलोचनात्मक अध्ययन किया, उसके गुण तथा दोषों का अध्ययन किया, तथा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र की सफलता के लिए किस प्रकार की आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए। मतलब कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए ताकि एक सुदृढ़, अच्छे और एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इसके लिए हमारा जो पहला जो बिंदु है वो है शांति तथा व्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, किसी भी राज्य का जो शासन है, लोकतांत्रिक जो शासन है, उसको अच्छा बनाने के लिए उस राज्य में शांति तथा व्यवस्था, कानून की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। हम अगर किसी भी राज्य में आंतरिक अशांति है या बाहरी आक्रमण का खतरा है, तो वहां पर क्या होता है कि फिर जो शासक वर्ग जो होता है वो शक्तियों का केंद्रीकरण करने लग जाता है। और शक्तियों का केंद्रीकरण होने का मतलब है कि शासक जो होता है वो अधिनायक तंत्र में बदल जाता है, मतलब कि निरंकुशता उसमें आने लग जाती है, जिससे वहां के लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। अतः यहाँ पर उस राज्य में शांति तथा व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, शक्तियां बटी हुई रहे, ताकि जो आम जो नागरिक है वो भी उन शक्तियों का, अपनी आम जनता से भी उन शक्तियों का जो लोग है सही तरीके से पालन कर सके। इसी कारण से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए शांति तथा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। देखो, किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अगर देश कोई भी है वो आर्थिक रूप से अगर सुदृढ़ है, मजबूत है, तो वहां पर एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करना संभव होता है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जर्मनी व इटली नामक जो दो देश है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले तो ये लोकतांत्रिक देश थे, लेकिन बाद में यहाँ पर अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाती है तथा यहाँ से लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ यूरोपीय जो देश थे वहां पर भी लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में आ गया, और वहां पर भी साम्यवादी व्यवस्था, अधिनायक तंत्र का जो है विकास होने लग गया। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होना जरूरी है। फिर आगे देखते हैं आर्थिक समानता। अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन अगर लोगों के अंदर या वहां की जनता में आर्थिक रूप से समानता नहीं है तो भी लोकतंत्र जो है वो खतरे में आएगा, क्योंकि आंतरिक विरोध बढ़ेगा, आंतरिक क्रांति बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र जो है सही तरीके से सुचारू रूप से मतलब कि जारी नहीं रह सकता है। अतः आर्थिक समानता, मतलब जनता के बीच में भी आर्थिक समानता के अवसर प्रदान हो, सभी लोगों के बीच में आर्थिक दृष्टि से सही तरीके के कमाई के साधन हो, ताकि वहां की जो जनता है वो संतुष्ट हो सके तथा लोकतंत्र को सही तरीके से सुचारू रूप से जारी करने में मदद कर सके। फिर है सामाजिक न्याय की स्थापना। यह भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों के अंदर सामाजिक न्याय हो, किसी प्रकार के भेदभाव बिना लोगों को सही प्रकार का न्याय मिले, तो वहां पर भी लोकतंत्र मजबूत रहता है। शिक्षित व जागरूक जनता, यह भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो जनता होती है वो शिक्षित तथा जागरूक होनी चाहिए। हमने लोकतंत्र के दोषों के अंदर देखा था क्या था कि जो बुद्धिजीवी जो वर्ग होता है वो लोकतंत्र के अंदर उदासीन रहता है, और दूसरी चीज देखी थी कि हमने जो मतदान जो होता है वो उदासीन होता है, तो वो ये चीज लोकतंत्र के लिए खतरा होती है। इसी कारण से जनता जो है शिक्षित होनी चाहिए, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होनी चाहिए, और अपने जो स्वतंत्रता उनको मिली है उस स्वतंत्रता के प्रति भी वो जागरूक होनी चाहिए, तथा मतदान के प्रति भी वो जागरूक हो। सही तरीके से मतदान होगा तो सही प्रकार की सरकार का निर्माण होगा। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षित व जागरूक जनता वहां पर होना अनिवार्य है। फिर है जनमत का निर्माण। जो जनमत जो है वो भी अच्छी तरीके से उसका निर्माण हो।
अब जनमत जो भी होता है, जो भी पब्लिक होती है, उसको बनाने के लिए लोकतंत्र के प्रति आस्था, मतलब लोकतंत्र में आस्था दिलाने के लिए कौन साधन होते हैं? तो वो होते हैं प्रेस, साहित्य, रेडियो, दूरदर्शन, ये जितने भी साधन हैं, इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो, सही को सही कहने का तथा गलत को गलत कहने का इनको इनके पास अधिकार प्राप्त हो, तो ये जनमत का सही तरीके से निर्माण कर पाएंगे। फिर है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। अब यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देश का नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र ही अच्छा नहीं है, तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से या अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। अतः वहां के नागरिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, तथा राष्ट्र के प्रति भी उनमें एक देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, एक राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छे और सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। फिर लोकतंत्र के अंदर हम सफलता के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां है, उसमें आठवां जो पॉइंट है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन। बहुत ही अच्छी बात है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्ता जो होती है वो लोकतंत्र में विकेंद्रीकृत होती है। अपन ने पहले भी पढ़ा था गुण और दोष के अंदर कि सत्ता जो होती है अलग अलग लोगों में बंटी हुई होती है, ताकि आम जनता से निकलने वाले व्यक्ति भी उस सत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और सत्ता के जो जो भी उनको अधिकार प्राप्त हो उन अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सके। इसी कारण से लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण होते ही सरकार जो होती है वो निरंकुश हो सकती है या अधिनायक तंत्र में बदल सकती है। अतः सत्ता का विकेंद्रीकरण होना लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फिर नागरिक स्वतंत्रता है, नागरिकों को उचित स्वतंत्रता मिले, तो उसी अगर नागरिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। इसी कारण से लोगों को सही नागरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लिखित संविधान व लोकतांत्रिक परंपराएं, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर उनका जो संविधान होता है वो लिखित होना चाहिए, सही तरीके से सभी लोगों को संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसी होनी चाहिए कि उस संविधान के संशोधन जो करना है वो इतना आसानी से संशोधन न हो, ताकि कोई भी दल अगर सत्ता पक्ष में आता है तो वो आसानी से उस संविधान में संशोधन न कर पाए, तो इसी कारण से सही तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। अतः लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं भी होना आवश्यक है। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोकतंत्र को सफल बनाती है, कि वहां की जो न्याय व्यवस्था है या न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए और शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सरकार के विरुद्ध भी वो न्याय दे सके, ऐसी न्यायपालिका का निर्माण होना चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र जो होगा वो मजबूत बनेगा। और लोगों का सरकार के प्रति अगर लोगों का अविश्वास हो जाता है तो वो न्याय के क्षेत्र में जा सकता है, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। अतः स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका लोकतंत्र में होना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद में योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। जो भी कर्मचारी वहां पर कार्य करते हैं लोकतांत्रिक देशों के अंदर, वो लोग कर्मचारी जो है योग्य होने चाहिए उस कार्य को करने के, और निष्पक्ष होने चाहिए, वो किसी भी प्रकार के जाति, लिंग, समाज या धर्म के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव न करे, मतलब निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होगा तो जितना, मतलब क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से कर्मचारी तंत्र पर ही डिपेंड करता है। सरकार का काम है नीतियां बनाना, लेकिन उन नीतियों को सुचारू रूप से जारी रखने का कार्य करती है कर्मचारी तंत्र। और अगर कर्मचारी तंत्र ही भ्रष्ट होगा, अगर इसमें ही भ्रष्टाचार होगा, तो वो निष्पक्ष रूप से वो कार्य नहीं कर सकता, जनता के पास उचित लाभ उन मतलब कि सरकार की नीतियों का नहीं पहुंच सकता। अतः योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र भी यहाँ पर होना अति आवश्यक है। फिर है स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था। अब लोकतंत्र की एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ये भी देखी थी कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे दल होते हैं, वे दल उन दल की उन पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां होती है, तो वहां पर स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था, दल व्यवस्था जो हो वो भी सुसंगठित हो, उनमें भी किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, तथा दलीय व्यवस्था हो सुसंगठित रहेगी, वो राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेगी, तो अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करने में सहायक होगी। अगर दलीय व्यवस्था ही कह सकते हैं राष्ट्रद्रोही हो या राष्ट्र के प्रति जागरूक न हो, केवल अपनी पार्टी का विकास करती हो, तो वहां पर सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती।
योग्य व निष्ठावान राजनेता। यह बिंदु सुनते ही हमें कुछ दिमाग में हमारे दौड़ता है कि राजनेता जो होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल योग्य होने चाहिए ताकि वो शासन को सुचारू रूप से जारी रख सके, और निष्ठावान, अपने राष्ट्र के प्रति वो निष्ठा रखने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए ताकि आगे किसी भी प्रकार का आंतरिक भेदभाव उस जनता के बीच में ना हो। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, जितनी भी योजनाएं बनती है राष्ट्रीय योजनाएं, वो सार्वजनिक हित की हो, मतलब सभी का उन योजनाओं में हित निहित हो, सभी को उन योजनाओं का उचित लाभ पहुंचे, ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं लोकतंत्र में अति आवश्यक है। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, और इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने भी आधारभूत मामले होते हैं जो मतलब कि उस लोकतंत्र को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सहमति होना आवश्यक है, सभी दलों की सहमति होना आवश्यक है ताकि यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये जो थी, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने की या कह सकते लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां है। वापिस देखेंगे कि देश में शांति तथा व्यवस्था अच्छी हो, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक समानता की स्थापना हो, लोगों में आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय की स्थापना हो, शिक्षित व जागरूक जनता हो, जनमत का निर्माण हो, जो किसके माध्यम से होता है, प्रेस, साहित्य, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से, नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन हो, नागरिकों को उचित स्वतंत्रता प्राप्त हो, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं हो, संविधान जो होता है वो लिखित होना चाहिए, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना चाहिए, स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, योग्य व निष्ठावान राजनेता होने चाहिए, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं होनी चाहिए, और आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति भी होना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आगे अभी हमारा लोकतंत्र नामक जो लेसन था वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बार हम पुनः इसका रिविजन करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा जो लेसन है आपका लोकतंत्र, ये 5 भागों में विभाजित था। सबसे पहला था लोकतंत्र का अर्थ परिभाषा। तो लोकतंत्र का अर्थ हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है दो डिमोस और क्रेशिया शब्दों से बनते हैं, ग्रीक शब्द है ये दोनों। डिमोस का मतलब होता है भीड़, क्रेशिया का मतलब होता है शक्ति, भीड़ की शक्ति, फिर जनता की शक्ति। फिर इसकी परिभाषा हमने लिंकन की पढ़ी थी, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, और वंश की हमने पढ़ी थी कि लोकतंत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो होता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। फिर हमने आगे लोकतंत्र के रूप पढ़े थे जो कि 4 अलग अलग थे, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। फिर इन रूप के अंदर हमने इनका जब विस्तार से अध्ययन किया तब हमने राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर पढ़ा कि राज्य के रूप में लोकतंत्र जो होता है वो होता है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, और शासन के रूप में लोकतंत्र होगा वो होगा लोकतांत्रिक शासन। अब लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिनको हमने विस्तार से आगे भी पढ़ा था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसके 2 रूप थे, संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। फिर उसके बाद में हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण देखे थे, जिसमें बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, इस प्रकार से हमने सिद्धांत देखे थे। उसके बाद में लोकतांत्रिक शासन के प्रकार हमने देखे थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा स्वयं शासन करना, स्वयं जनता संप्रभु होती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने देखा था कि जो जनता जो होती है एक प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर शासन की बागडोर संभालता है, उसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष शासन। उसके बाद में लोकतंत्र का आलोचनात्मक अध्ययन हमने पढ़ा, जिसमें उसके गुण तथा दोषों के बारे में चर्चा की, तथा अंत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां थी वो हमने पढ़ी। तो कहने का मतलब कि ये जो लोकतंत्र नामक जो लेसन है इसको आप सही तरीके से बांटिए और अपने दिमाग में इन 5 पार्ट को बिठाइए कि भी हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ परिभाषा क्या हो सकती है, उसके बाद में उसके रूप क्या है, फिर आगे हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण कौन कौन से थे वो देखना है, फिर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या क्या है उनको अपने को अच्छे से समझना है, फिर लोकतंत्र का आलोचनात्मक अध्ययन, गुण तथा दोष क्या हो सकते हैं
उनके बारे में समझना है, मतलब लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होगी, अंत में इसको समझना है। इस प्रकार से पूरा लेसन जो है हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी जाके हम अच्छे अंक तथा प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन लोकतंत्र, आगे हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। धन्यवाद।